प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में राजस्थान जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं, जो कि राजस्थान के विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में अब तक पूछे गए। अगर आप राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो आज का वीडियो खास रहने वाला है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछे गए तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। पूरा राजस्थान जीके कवर कराऊंगा, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी बनी है उसको दबा लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, चेतावनी राज चुंगटिया किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, केसरी सिंह भारत। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, याद कर लेना। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिजोलिया के अंदर किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, विजय सिंह पथिक। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं, राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, याद कर लेना। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग भी जो है क्वेश्चन के आंसर दीजिए करें और वीडियो के अंत में बताइएगा कि 30 में से आपके कितने सही हुए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी तैयारी भी हो जाएगी, तो आप लोग आंसर ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, नसीराबाद से सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, मुहुणोत नैन्सी को। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं, पृथ्वीराज राजसों की रचना किसने की थी? इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, आप लोग याद कर लेना। हमारा काम है हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आना, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, चंद बरदाई। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच में जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, याद कर लेना। और वीडियो के अंत में मैं आप सभी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसका आप लोग आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे लकी विनर चुने जा सकते हैं, आपको प्राइज़ भी मिलने की संभावना रहती है, तो उसका भी आप लोग आंसर जरूर कॉमेंट कीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, 1818 में जो है मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं, किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? कौन से राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो वो था करौली। ठीक है, करौली ने सबसे पहले संधि की थी अंग्रेजों के साथ। क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया तो आपको याद होना चाहिए, वर्तमान राजस्थान ने कब अस्तित्व में आया था? इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं, प्राचीन भारत का स्वर्णिम कला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, गुप्त काल को। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करते हैं, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में एक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि अकबर के जो है नवरत्न थे उनमें अंदर कौन सा शासक आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, मानसिंह था, जो अकबर के नवरत्नों में था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, कानड़देव प्रबंध की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, पद्मनाथ, ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, एकलिंग महात्म्य का जो है लेखक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद कर लेना, कई बार पूछा गया है। आपको पूरा राजस्थान जीके कवर करना हो, आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, महाराणा कुंभा। ठीक है, एकलिंग महात्म्य के जो लेखक थे महाराणा कुंभा थे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, पन्नाध्याय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी? पन्नाध्याय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, उदय सिंह की। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ था? महाराणा कुंभा का जो राज्यारोहण कब हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा, 1433 ईस्वी में। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढूंढाड़ राज्य की जो स्थापना कब हुई थी? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किस सन के अंदर हुई थी? तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, 1137 में। अगर आप राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पूछे जा सकते हैं, आप लोग याद कर लेना। कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? कोटा के अंदर कौन से अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई थी? ऑप्शन आपके सामने, ब्लैक, सावर्स, बर्टन, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, बर्टन की हत्या की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सहायक संधि का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, वेलेजली। आप लोग भी आंसर कॉमेंट कीजिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने जय सिंह बीका, दुल्हा राय या हमीर देव। तो ऑप्शन सी सही होगा, दुल्हा राय। ठीक है, दुल्हा राय। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, आउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट का जो है वध कर दिया गया था? आउवा के अंदर है कौन से पॉलिटिकल एजेंट का जो है वध कर दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने बर्टन सावर्स, जी एच मैकमेंसन या फिर ब्लेक। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, जी एच मैकमेंसन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो मत्स्य संघ का जो स्थापना कब हुई थी? मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने 18 मार्च 1948, 10 अप्रैल 1949, 26 अगस्त 1945 या 30 फरवरी 1947। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 18 मार्च 1948। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछे गए तो आपको याद होना चाहिए, आगे भी पूछे जाएंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, किस नगर को प्राचीन में अई छतरपुर के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये नागौर का नाम है, ठीक है, अई छतरपुर नाम है जो कि नागौर का है, उसको प्राचीन में अई छतरपुर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सी हो जाएगा, नागौर को। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा खनिज हरी अग्नि कहलाता है? कौन सा खनिज जो कि हरी अग्नि कहलाता है? पन्ना, जास्पर, बेराइट्स या संगमरमर। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सी हो जाएगा, पन्ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, देश के कुल अभ्रक उत्पादन में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? टोटल पूरे देश के अंदर जो है अभ्रक उत्पादन के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, तीसरा। यानी राजस्थान के अंदर जो जो अभ्रक उत्पादन होती है पूरे देश के अंदर थर्ड रैंक आता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, जोधपुर के वे राजा जो अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, कौन से राजा थे जोधपुर के जो अपनी रियासत को है स्वतंत्र अलग से स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? ऑप्शन आपके सामने महाराजा उमेद सिंह, राजा हणू सिंह, महाराजा भीम सिंह और महाराणा भोपाल सिंह। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, महाराणा हणू सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, माणिक्य लाल वर्मा को कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया था? माणिक्य लाल वर्मा को कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया था? संयुक्त वृहत राजस्थान, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ या वृहत राजस्थान। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, संयुक्त राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की जो पद है, पदवी या पद किसने दी थी? ठीक है, जो उनको उनका नाम था मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, तो उनके जो शुरुआत में नाम है मिर्जा राजा की जो पदवी है वो किसने दी थी? ठीक है, मिर्जा राजा की पदवी किसके द्वारा दी गई थी? औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां अकबर। तो ये शाहजहां के द्वारा जो है उनका नाम है जय सिंह नाम के आगे मिर्जा राजा की पदवी दे दी थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, चंद बरदाई ने जो है राजपूतों की उत्पत्ति मानी है, चंद बरदाई के द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने अग्निकुंड, मध्य एशिया से, विशुद्ध भारतीय या सम्मिश्रण जाति। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, अग्निकुंड से। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई थी? अकबर के द्वारा जो राजपूतों के साथ उन्होंने विवाह किए थे उनके अंदर उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? धार्मिक नीति, सुलह कुल की नीति, धार्मिक नीति या रिवाजों का आदान प्रदान। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा, सुलह कुल की नीति। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो विश्व के अंदर ही, राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो है सती माता का मंदिर है किस जिले में है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, झुंझुनू में। ठीक है, सबसे बड़ा सती माता का मंदिर है जो कि राजस्थान के अंदर है, झुंझुनू जिले में। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, राजस्थान के किस लोक देवता को चार हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है? उनको पूजते हैं चार हाथों वाले देवता के रूप में, किनको पूजा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मल्लिनाथ जी को, वीर कल्ला जी को, वीर फतेह जी को या बाबा जुंजार जी को। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, वीर कल्ला जी को चार हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है।
अब बात करते हैं वीडियो के अंत में आप सभी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाले, इसका आपको आंसर जरूर देना। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे लकी विनर चुने जा सकते हैं, आपको प्राइज़ भी मिलने की संभावना रहती है, तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुई, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम से डाक टिकट जारी हुए थे, देवनारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी, अतेजा जी, आप लोग इसका आंसर कॉमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपके 30 में से कितने सही हुए, ईमानदारी से कॉमेंट करके बताना। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको पूरा राजस्थान जीके कवर करना हो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो आज तक पूछा गया आगे पूछा जा सकता है, और पूरा राजस्थान का करंट अफेयर कवर कराएंगे। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो घंटी बनी है उसको दबा लेना, और वीडियो को लाइक कर देना और अपनी सभी दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।